नवरात्र के पांचवें दिन भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाली मां दुर्गा के पंचम स्वरूप मां स्कंदमाता की पूजा करने का विधान है। ये देवी पार्वती का ही स्वरूप है। भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंदमाता के नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है। स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे हुए हैं। शास्त्रानुसार सिंह पर सवार स्कंद माता स्वरूपणी देवी की चार भुजाएं हैं, जिसमें देवी अपनी ऊपर वाली दाई भुजा में बाल कार्तिकेय को गोद में उठाए हुए हैं और नीचे वाली दाई भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। ऊपर वाली बाई भुजा से इन्होंने जगत तारण वरद मुद्रा बना रखी है व नीचे वाली बाई भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्णन पुनर्तः शुभ्र है और ये कमल के आसान पर विराजमान रहती हैं। इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। नवरात्र पूजन के पांचवें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। माँ के श्रृंगार के लिए खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। स्कंद माता और भगवान कार्तिकेय की पूजा भक्ति भाव और विनम्रता के साथ करनी चाहिए। पूजा में कुमकुम अक्षत पुष्प फल आदि से पूजा करें, चंदन लगाएं, माता के सामने घी का दीपक जलाएं। आज के दिन भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करें और पीली चीजों का भोग लगाएं। संतान संबंधी कष्टों को दूर करने के लिए इस दिन बच्चों को फल मिठाई बांटना भी बहुत अच्छा माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि इनकी पूजा से भगवान कार्तिकेय की पूजा स्वयं ही हो जाती है एवं स्कंद माता की आराधना से सुनी गोद भर जाती है। इनकी साधना से साधकों को आरोग्य बुद्धिमता तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, वह भक्तों को परम शांति एवं सुख का अनुभव होने लगता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। संतान सुख एवं रोग मुक्ति के लिए स्कंदमाता की पूजा करनी चाहिए।